हेलो, मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेथी गोटा, पालक गोटा, गांठिया वगैरह के साथ जो हम सर्व करते हैं वो कढ़ी की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं ये कढ़ी कैसे बनाई जाती है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। और इसके लिए हमें चाहिए 3 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून शुगर, नमक हाफ टी स्पून, आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हो, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑयल, 1/4 टी स्पून राई, 8 से 10 करी लीव्स, 1 हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में काट के डालेंगे, 1/4 टी स्पून हींग और 1/2 टी स्पून लेमन जूस। और अब एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे बेसन, शुगर, नमक मैंने 1/2 टी स्पून लिया है, आप आपके टेस्ट के अनुसार ले सकते हो, हल्दी पाउडर, और हमने जितना बेसन लिया है इसे 5 टाइम्स हमें पानी ऐड करना है। तो ये बाउल से मैंने 1/2 बाउल बेसन लिया था, तो मैं यही बाउल से 1/2 बाउल 5 टाइम्स इसमें पानी ऐड करूंगी। और अब ये सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स ना रह जाए ये बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। कढ़ी के लिए हमें एकदम पतला बैटर बनाना है, आप देख सकते हो कि बैटर इस पे बिल्कुल ही नहीं चिपक रहा है, तो इसी तरह का हम बिल्कुल पतला बैटर तैयार कर लेंगे। और इसमें बिल्कुल लम्स भी नहीं है, थोड़ा नज़दीक से देखें तो हमें बिल्कुल इसी तरह पतला बैटर तैयार कर लेना है। अब ज़रूरत पड़ेगी एक पैन की, इसमें हम लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, 1/4 टी स्पून राई, 8 से 10 करी लीव, 1 हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ऐड करेंगे, 1/4 टी स्पून हींग। और अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके करीब आधे मिनट के लिए सौते करेंगे। हमने जो बेसन का बैटर तैयार किया है इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। जब बैटर बना के साइड में रखते हैं तो बेसन इसी तरह नीचे चला जाता है, तो बैटर को यूज़ करने से पहले एक बार अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, और मिक्स करने के तुरंत बाद ही हमें बैटर को ऐड कर लेना है ये पैन में। अब गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और लो फ्लेम पे कढ़ी को हमें कॉन्स्टेंट हिलाते हुए करीब 1 मिनट के लिए बॉईल करना है। और करीब 1 मिनट के बाद गैस की फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे और कढ़ी को बीच बीच में हिलाते हुए करीब 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और पैन की साइड में जो बैटर चिपक जाता है इसे भी हमें चम्मच की हेल्प से निकाल के कढ़ी के साथ मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून लेमन का जूस, और लेमन के जूस को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चेक कर लेंगे कि कढ़ी की कंसिस्टेंसी हमें जितनी चाहिए इतनी हो गई है कि नहीं। जब कढ़ी की थिकनेस हमारी पसंद की हो जाए तब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे। और अब हमारी कढ़ी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। कढ़ी को ज़्यादा थिक करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम और उबाल सकते हैं, और अब कढ़ी को एक सर्विंग बाउल में ले लेंगे। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।